तो हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक फैंटास्टिक टॉपिक पे बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के इन सेक्टर में अब बिल्कुल जॉब नहीं है। इंजीनियरिंग के इन सेक्टर में आप जाइएगा मत, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये पूरा वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और पहली बार चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, ये आपका ही चैनल है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, अगर मैं बात कर लूँ कि इंजीनियरिंग का कौन सा ऐसा सेक्टर है जिससे करने के बाद अब जॉब नहीं मिल रही है, सबसे पहला मैं आ जाता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा, जिसको लोग ट्रेंडिंग मानते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज़्यादा चीज़ें सही जा रही हैं। तो सबसे बड़ी इशू अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चल रही है। करियर कोई फिक्स नहीं हो पा रहा, वेरिएबल है, कभी बहुत अप कभी बहुत डाउन, मतलब ऐसे अप डाउनिंग चल रहा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या ऐसा ना करें जिससे कि हमें जॉब लेने में दिक्कत हो। सबसे पहले देखो भैया, आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो तो नॉर्मल चीज़, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, नॉर्मल चीज़ें मत सीखो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ही सीखो। मतलब आप, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक टाइम वर्डप्रेस डेवलपर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, वर्डप्रेस डेवलपर थे, मजेंटो डेवलपर थे, लेकिन वक्त और टाइम के अकॉर्डिंग इनकी डिमांड कम हो गई, चीज़ें कम हो गई। नॉर्मल वेबसाइट अभी भी वर्डप्रेस में बनती है, वूकॉमर्स था पूरी तरह पिट गया, मजेंटो था, शॉपिफाई ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल, जो वेब डेवलपर होते थे, वेब डेवलपर या नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर होते थे, उनकी जॉब अब खतरे में है। नॉर्मल वेब डेवलपर या नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप बनते हो तो वो करियर ऑप्शन कहीं ना कहीं बेटर नहीं है, आपके लिए लंबा नहीं जा पाओगे। उसमें भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप लैंग्वेज चूज करते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग पीएचपी है, बहुत सारे लोग पाइथन चूज करते हैं, बहुत सारे लोग जावा लेते हैं, बहुत सारे लोग .NET लेते हैं। अब .NET एक है डेड हो चुका है, .NET जैसी चीज़ें अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। आप सोचो कि .NET में चले जाओ, .NET डेवलपर बन जाओ, .NET में आगे चले जाओ, तो ऐसा फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कि .NET और PHP में भी ना जाए तो बेटर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ये कहानी हो गई। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक टेस्टिंग की भी जॉब बहुत ज़्यादा चलती थी, उसकी भी इतनी डिमांड नहीं है, टेस्टर की जॉब इतनी ज़्यादा नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री अगर 50 डेवलपर जॉब करें तो 2 टेस्टर होते हैं वहाँ पे, तो इतना स्कोप टेस्टिंग के जॉब में भी नहीं है। तो टेस्टिंग में भी जाने के लिए सोच रहे हो तो भी मत जाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखो हम कोर इंजीनियरिंग में आ जाएं, कोर इंजीनियरिंग में जैसे अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे आ जाएं, तो इसमें भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अपग्रेड हुआ है। तो उसमें भी नॉर्मल चीज़ें जो आप सीख रहे हो, नॉर्मल चीज़ें जो पढ़ रहे हो, आपका करिकुलम अपडेटेड है कि नहीं इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि इन कोर्सेज के जो करिकुलम है वो अपडेटेड नहीं है। हमें चाहिए कोई और इंजीनियर और हम पढ़ कुछ और रहे हैं, आउटपुट आएगा कुछ और। तो ऐसे में ये भी एक इशू है कि जो आप पढ़ रहे हो वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है या नहीं, इंडस्ट्री में वो चीज़ यूटिलाइज होगी कि नहीं, वो जानना जरूरी है। देखो जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं कि बहुत सारे लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, सोचते हैं कि मैं सिविल करके डायरेक्टली जॉब में चला जाऊंगा। IIT NIT से भी पढ़े हुए सिविल में अगर हो तो डायरेक्टली आपको कोई प्रोजेक्ट पे नहीं लेके जाता है, आप किसी के अंडर में ही रखे जाते हो, ठीक है। आप किसी के अंडर में ही काम करोगे तभी जा करके आपको चीज़ें समझ में आएगी। उसमें भी लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट बिल्डिंग बनाने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। देखो एक चीज़ और मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैकेनिकल हो गया, जैसे इसमें डीजल और पेट्रोल इंजन है, अगर डीजल और पेट्रोल इंजन ही आप पढ़ते रहोगे तो हाइब्रिड कब पढ़ोगे और ईवी कब पढ़ोगे? तो डीजल और पेट्रोल तो जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये है कि डीजल और पेट्रोल पे ही मत फोकस कर दोगे भाई, हमें इसे जाना, आप इंडस्ट्री में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, ईवी नहीं पढ़ोगे और सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो वीडियो में ओवरऑल कहने का मतलब यही था कि ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। आपका करिकुलम अपडेट है, आपका कॉलेज अपडेट है, चाहे आप IIT है, NITs हैं, कुछ भी हो, लेकिन करिकुलम अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट आज मैं बता दूं आपको कि 5% इंजीनियरों की जॉब लगती है जो पास आउट होते हैं, 10% तो मैं बहुत बोलने जा रहा था, 5% इंजीनियरों की जॉब लगती है। ऐसे में चैलेंजेस बहुत हैं, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, तभी जा करके आप एक अच्छे इंजीनियर बन पाओगे और आपका भविष्य अच्छा हो पाएगा। जो मैंने बताया
आया उसको यूटिलाइज करिए, और अगर आपको कॉलेज में नहीं मिला तो बाहर से भी आपको कोर्सेस करने पड़ेंगे, बाहर से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी जाके करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज IIT NIT कहीं से भी पढ़ लीजिए आप, मैं बता दूं मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, सिर्फ और सिर्फ स्किल ओरिएंटेड हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिल रहा, अभी भी मिल रहा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वीडियो सही से देखिएगा और सही से समझिएगा, फिर उसके बारे में सोचिएगा। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।